गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू रिवाइज योर पीरियोडिक टेस्ट सिलेबस। सो ओपन चैप्टर नंबर 4, माय फैमिली एंड मी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज अ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, व्हाई वी नीड अ फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट इज अ फैमिली। फैमिली क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर लाइक अ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ फैमिली। फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, लाइक उसमें मदर होते हैं, फादर होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं और इसी से फैमिली फॉर्म करती है। टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट, कजन्स सभी एक साथ रहते हैं। Why we need a family? हमें फैमिली की नीड क्यों है? Family members care of each other's everyday needs. जो फैमिली members हैं वो एक दूसरे की everyday जो needs होती हैं उसकी वो केयर करते हैं। Family members make each other feel safe and loved. Family members हम सभी को क्या feel कराते हैं कि हम उनके साथ safe हैं और वो हमें love भी करते हैं। फैमिली मेंबर्स शेयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली में सभी जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। नाउ लेट अस रिवाइज आर बुक एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस बॉक्स में से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट वन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर्म अ डैश फैमिली। पेरेंट्स और चिल्ड्रन जिस फैमिली में होते हैं वो किस टाइप की फैमिली होती है? न्यूक्लियर। योर मदर्स पेरेंट्स आर योर डैश। जो आपकी मदर के पेरेंट्स हैं वो कौन है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। माई आंट्स चिल्ड्रन आर माई कजन्स। जो मेरी आंटी के चिल्ड्रन हैं वो मेरे कजन्स हैं। माई फादर्स ब्रदर इज़ माई अंकल। मेरे फादर के जो ब्रदर हैं वो मेरे क्या लगते हैं? अंकल। माई अंकल्स वाइफ इज़ माई आंट। जो मेरी अंकल की वाइफ है वो मेरी आंट हैं। बी पार्ट, स्ट्राइक आउट द वर्ड विच इज़ नॉट करेक्ट। जो वर्ड करेक्ट नहीं है उसे आपको स्ट्राइक आउट करना है। My father's father is my grandfather or uncle. जो मेरे father के father हैं वो मेरे क्या हुए? Grandfather हुए। तो uncle आपका wrong word है, आप uncle को cut कर दोगे। Second, a joint or nuclear family has many members. किस family में बहुत सारे members होते हैं? Joint में, तो आप nuclear को cut कर दोगे। Third one, my mother's sister is my grandmother. आंट, जो मेरी मदर की जो सिस्टर है वो मेरी कौन होती है? आंट होती है। तो आप ग्रैंड मदर को कट कर दोगे। सी पार्ट, आंसर इन अ सेंटेंस। फर्स्ट वन, नेम द मेंबर्स ऑफ रोहन्स फैमिली। रोहन की फैमिली के मेंबर्स के आपको नेम बताने हैं। रोहन्स फैमिली इंक्लूड्स सुजाता, हरिदेव, आनंद देव, सानिया देव, दीपा, राज, तारा, तानिया एंड टीना। रोहन की फैमिली में ये सभी मेंबर्स रहते हैं, तो आपको इनके नेम लर्न करके आपको नेम राइट डाउन करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली इन विच द फादर, मदर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें फादर रहते हैं, मदर रहते हैं और उन दोनों के चिल्ड्रन रहते हैं। ये सभी एक साथ रहते हैं और इन्हें न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज लिविंग इन अ फैमिली हेल्प अस। फैमिली में रहना हमें किस तरह से हेल्प करता है?
लिविंग इन अ फैमिली इज़ हेल्पफुल बिकॉज फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर्स एवरी डे नीड्स. फैमिली में रहना हेल्पफुल है बिकॉज जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे की एवरी डे नीड्स की केयर करते हैं. मेक ईच अदर फील सेफ एंड शेयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो एक दूसरे को सेफ फील कराते हैं एंड इवन जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर भी करते हैं. Is it clear, students? So today we have completed revision of lesson 4, My Family and Me. Learn this chapter and revise it properly. Okay, students? Thank you. Goodbye.